मेजबान फैसल उद्दीन और लेकर आ गया हूँ दोबारा आपके लिए, सिर्फ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि यह है प्रोविन पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला डिजिटल गेम शो जिसे आप देखना चाहते हैं। हमने लास्ट शो किया था एक फेमस टीवी चैनल पे, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे और मेरी पूरी टीम को अप्रिशिएट किया और बहुत आप लोगों ने ताबड़तोड़, उस दिन मैंने यही बोला था, उस दिन आपने ताबड़तोड़ हमले कर दिए जिसकी वजह से मेरे सारे सिस्टम हैंग हो गए थे। तो खैर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने हमारे साथ ये गेम खेला और विनर रहे। और जिस दिन हमने ये शो किया था कोरोना वायरस, जैसे आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस बड़े उरूज पर चल रहा है और मैं पहले ये थोड़ा सा मैं ये सैनिटाइज कर लूँ अपने हाथ को, मैंने थोड़ा सा सैनिटाइज कर लिया क्योंकि ये कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, अपनी फैमिली में रहें, बाहर ना निकलें। और जाहिर बात है आप बाहर निकलेंगे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो आपको ये वबा लग सकती है, क्योंकि हर बंदा जो है बाहर वो चलता फिरता है कोरोना वायरस है, क्योंकि पता नहीं होता किसी का कि किसको कोरोना वायरस है। तो ख्याल रखें और कोशिश करें अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारें। रमज़ान है, पहले तो मैं रमज़ानुल मुबारक जो चल रहा है, आज जो है हफ्ते का दिन है और 2 मई है आज, 2 मई है ना, तो आज मुझे आप देख रहे हैं और आज रमज़ान है। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ मैं अपने चाहने वालों को, अपने देखने वालों को। अच्छा, मैंने बीच में हमारे पेज पे ये लगा था कि जी हम ये शो जो है हम ईद के बाद करेंगे या कोरोना वायरस के बाद करेंगे, लेकिन मेरी पूरी टीम ने कहा कि हमारे पास बहुत ईमेल्स आ रही हैं और ईमेल्स की वजह से आप जो है ये शो करें क्योंकि लोग आपको देखना चाहते हैं। तो मैं पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया और मेरे इस प्रोग्राम को लाइक किया, और मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मेरे जज्बात ऐसे हो रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो खैर मैं आगे अगर आपको पढ़ता हूँ तो इस दफ़ा हमने आपके लिए एक बहुत अच्छा ये लेकर आए, हम 2 दिन आपके लिए आपके साथ ये 2 दिन शो करेंगे। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं हफ्ता और इतवार, आज हफ्ते का दिन है और मैं आपके साथ लाइव बात कर रहा हूँ, और आप कल ये शो देखेंगे इतवार वाले दिन भी इसी वक्त 10 बजे, 10:05 पे 10 बजे प्रॉपरली हम इसी वक्त आपके साथ ऑनलाइन आएंगे और आप हमारे साथ ये गेम शो खेल सकते हैं। और मैं फिर बता दूं, बहुत से चैनल्स में देख रहा हूं कि डिजिटल गेम शो शुरू कर दिए हैं उन्होंने विदाउट ऑडियंस, भाई इसका क्रेडिट मेरी पूरी टीम को जाता है क्योंकि ये आइडिया हम कोरोना वायरस से पहले लेकर आ चुके थे और हमें पता था कि हम आगे जाके जो सिचुएशन बनेगी कोरोना वायरस का हमें नहीं पता था, वो सिर्फ गैब का इल्म सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है, ठीक है। कोरोना वायरस की जो भी वबा बनेगी तो लोगों ने उसको अडॉप्ट किया और देखें आज हर कोई डिजिटल गेम शो कर रहा है, तो डिजिटल शो का जो बानी है वो मैं खुद हूँ क्योंकि ये पहला शो मैं खुद लेकर आया था आप लोगों के सामने, उसके बाद लोगों ने कॉपी किया। चलें अच्छी बात है, ये एक पाकिस्तानी मीडिया है, सबको साथ रह के और सबको साथ देना चाहिए और मिलकर चलना चाहिए। तो खैर मैं आपको फिर से मैं बोलूँगा, आज मैं आप लोगों के लिए बेशुमार इनामात लेकर आया हूँ। बेशुमार इनामात का मतलब है क्योंकि आज मैं कर रहा हूँ शो आपके लिए और कल भी करूंगा, मैं आपको इसमें बम्पर प्राइज दे रहा हूँ, बाइक गाड़ी भी दूंगा, लेकिन थोड़ा सा सबर रखें क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूँ। मेरी टीम ने मुझे बहुत अप्रोच किया, नहीं आपने ये शो करना है, आपने ये शो करना है, और मैंने सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए ये शो लेकर आया। अच्छा मैं इसको फिर से मैं आपको बता दूं, ये शो आप खेलेंगे कैसे आज, जैसे आप उस दिन टीवी पे देखकर अपने वेब पर खेल लेते, सोशल मीडिया पर खेल लेते, एप्लीकेशन पे खेल रहे थे, लेकिन अब आप देखेंगे हमारा जो चैनल है यूट्यूब का, उस पर आप ये देखेंगे, उस पर आपने इसको देखना है और कैसे खेलना है, जवाब कैसे देने मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब पे जवाब नहीं देंगे आप देंगे हमारे एप्लीकेशन पे, जो प्रोविन पाकिस्तान का एप्लीकेशन है, अभी भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, उसमें लिखें प्रोविन पाकिस्तान की एप्लीकेशन आ जाएगी। जब एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप जब उसका इंटरफेस आएगा तो उसके ऊपर देखेंगे कि गेम शो लिखा होगा, गेम शो को आपने क्लिक करना है, तो उसके बाद 3 आइकन बने हुए आ जाएंगे जिसके अंदर जो मैं पहला आइकन जो आप लोगों के साथ खेलूंगा वो है कौन सा, भला आपने मैंने उस दिन भी आपसे सवाल पूछा था कि कौन सा वो पहला था, मैं खुद भूल रहा हूँ आज क्योंकि इतने दिनों बाद आप लोगों के पास आया हूँ, वो पहला था दिमाग की बत्ती जलाओ,
जी मुझे इशारा हो गया था मेरी टीम से दिमाग, जाहिर बात है मैं आप लोगों के पास मौजूद हूँ और अरसा हो जाता है, टाइम लग जाता है, मैं जल्दी जल्दी आ जाता हूँ। तो उस पे जाएंगे, दिमाग की बत्ती जलाओ पे जाएंगे और उस पे आप देखेंगे क्वेश्चन आ रहा है जो मैं यहाँ से आपसे पूछूंगा, जिसको आप देखेंगे यूट्यूब पर, जो हमारे पेज पर है, ठीक है, लेकिन जवाब देंगे आप एप्लीकेशन के ऊपर। तो तैयार है खेलने के लिए? चले खेलने से पहले मैं थोड़ा सा, बहुत जरूरी है, मैं थोड़ा सा अपने स्पॉन्सर्स के नाम ले लूँ यार, बहुत जरूरी है क्योंकि स्पॉन्सर के बगैर हम कुछ नहीं है। पहले भी हम बोल चुके हैं, जो हमने वो शो किया था प्रोविन पाकिस्तान का, हमने जितने इनाम दिए थे, हाँ मैं कुछ लोगों को इनाम अभी नहीं मिले हैं जो हमने शो किया था, तो वो घबराए नहीं, इंशाल्लाह हम हमारी जो टीम है उनसे कॉन्टेक्ट करेगी और इनाम उन तक पहुँचा देगी, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी नाम ले लेता हूँ और टिकर भी आप देख रहे होंगे, टिकर पे भी चल रहा होगा जो हमारे स्पॉन्सर हैं, मैं नाम ले लेता हूँ क्योंकि ये जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि देना तो है ना आप लोगों को। तो स्पीड प्राइवेट, ये हमारे फास्टर अरीशा ज्वेलर्स, हाइपर जोन, आदम जी इम्पैक्ट, मलिक ट्रेडर्स, बिलाल मेडिकल, एमएस ऑनलाइन, दराज वॉचर्स हैं हमारे पास, ठीक है, उसके बाद कमाला स्टोर्स हैं, clarify.pk ये भी हमारे पास एक स्पॉन्सर है, ठीक है, जो जो इनामात हमें देते हैं। स्पॉन्सर बेसिकली वो होते हैं जिसकी वजह से हम ये शो करते हैं आप लोगों के लिए, मेहनत करती है हमारी टीम जो लेकर आती है इनामात और वो हम आपको देते हैं, तो मैं उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, ठीक है। अहमद स्टोर है, नोविया ऑनलाइन है, इमरान मेडिकोज हैं, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और भी हैं, ठीक है, मैं बताऊँ कैन प्रिंट स्टोर है, ठीक है, फ्रेंड कॉर्नर है, दी लाउंज रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, ज़रूर जाइएगा, दी लाउंज रेस्टोरेंट कश्मीर रोड पर है ये। और इसके अलावा KFC है, KFC तो आप लोग सब जाते ही होंगे, तो KFC ये हमारे साथ हैं। इसके अलावा पिज़्ज़ा कॉर्नर होंगे हमारे साथ, ठीक है, इसके अलावा फजल इलेक्ट्रॉनिक है, अयान बार्बर शॉप है, जो कटिंग के शॉप्स होते हैं, इसमें राशिद भाई हैं, बहुत अच्छी ये शॉप है, जाइएगा ज़रूर। और यासिर शाह कलेक्शन, आपको पता है यासिर शाह के मैं ड्रेस पहनता हूँ, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मज़ेदार हलीम, मज़ेदार हलीम तो वन एंड ओनली है, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ मज़ेदार हलीम के लिए, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ये हैं और हमारे साथ ये फर्दर सोशल मीडिया पे भी रहेंगे। तो मैं अपने पहला क्वेश्चन करूँ आप लोगों से या भी इंतज़ार करवाऊँ, ये बताएं आप लोग। चले मैं आपसे पहला क्वेश्चन करता हूं, लेकिन आपको मैं तरीका बता चुका हूं कि आप लोगों को ये खेलना कैसे है, कैसे खेलना है। एक दफा अगर आप लोग माइंड ना करें तो मैं आपको फिर बता दूं, ठीक है, माइंड नहीं कीजिएगा, मैं फिर बता देता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को उस दिन भी समझ में नहीं आया था, सब ने बोला आप इतना तेज बोल रहे हैं, इतना तेज बोल रहे हैं, भाई मेरे पास टाइम इतना होता है, काम इतना होता है, तो उस दिन बोलना पड़ा। तो मैं फिर बता दूं, प्रोविन पाकिस्तान, हमारा जो प्रोविन पाकिस्तान का पेज है उस पे आप जाएंगे, उसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ये मस्ट कीजिएगा, उसमें आप देखेंगे। और हमारे वेब और जो हमारा जो प्ले स्टोर पे जाएंगे वहाँ पे लिखेंगे प्रोविन पाकिस्तान, प्रोविन पाकिस्तान के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, उसको जब इंटरफेस आ जाएगा, इंटरफेस पे आप देखेंगे पहले ही आएगा वो, उसका नाम होगा गेम शो, गेम शो में जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे पहला दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती जलाएं और जल्दी से उसको क्लिक करें, पहला सवाल आपको उसके अंदर आ जाएगा। तो मैं आपको पहला सवाल करने जा रहा हूं, आप जाएंगे इस एप्लीकेशन पे और इसके ऊपर जवाब देंगे, ठीक है, तैयार हैं, समझ गए हैं आप लोग, इजी, कोई मुश्किल नहीं है। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कि जी दोबारा समझाएं, या मैं आपको, हाँ मैं आपको कल इंशाल्लाह अपना नंबर भी दूंगा, तो जिसके अंदर वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो अपनी प्रमोशन करवाना चाहते हैं, अपने किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाना चाहते हैं, तो वो प्रमोशन के लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी नंबर मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी, तो इजीली आप उसके अंदर करेंगे तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी टेक अवे का काम चल रहा है, टेक अवे के लिए अगर कोई हमसे रब्ता करना चाहता है तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। खैर मैं कर रहा हूँ आपसे पहला सवाल, प्रोविन पाकिस्तान पहला डिजिटल गेम शो का पहला सवाल कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तैयार हो जाएं। चले मैं थोड़ा टहल तो लूं, मुझे टहलने का भी बोला हुआ है कि भाई आप लोग टहलते रहे, तो मैं देखें मैं कितना टहल सकता हूं यहाँ पे, पहले भी मैं आप लोगों के साथ टहल रहा था, अभी भी मैं टहल के गेम शो करना है और कुछ नहीं है, ठीक है, ये देखें मैं दोबारा आ गया आप लोगों के साथ, नहीं नहीं भाई मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, शो पहला सवाल देखें आ गया होगा, आप देखें सोशल एप्लीकेशन में देखेगा, ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा। किस इस्लामी महीने में कुरान मजीद उतारा गया, किस इस्लामी महीने में
कुरान मजीद उतारा गया, कुरान मजीद नाजिल हुआ, ये पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। इसके ऑप्शन भी आ रहे होंगे। अच्छा, ऑप्शन है पहला ए शाबान, बी रजब, सी रबीउल अव्वल या डी रमजान। ठीक है, ये आप चार ऑप्शन आ गए। ऑप्शन के लिए मैं आपको बता दूं, देखें जल्दी जल्दी जाएं और आप लोग जवाब दें। ऑप्शन के लिए मैं आपको बता दूं, आप पूरा मत लिखिएगा, ऑप्शन सिर्फ ए होगा। तो अगर सही जवाब इसका जो भी होगा वो ए बी सी डी के हवाले से आपने जवाब देना है। मैं अभी टाइमर ऑन नहीं कर रहा हूं ताकि आप लोगों को आज प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अच्छा मैं ये बता दूं कि चले आप लोग मेरे ख्याल से चले गए होंगे, इसके जल्दी जल्दी आंसर दें। ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूं, टाइमर खत्म होगा तो आंसर भी बता दूंगा इसका आंसर क्या है। आप लोग इसमें जीतेंगे क्या, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें आप पिज़्ज़ा कॉर्नर की तरफ से स्मार्ट एलईडी जीतेंगे 32 इंच का। तो बेहतरीन आप लोग दें, स्मार्ट एलईडी आप लोगों के पास आएगी। सही जवाब जो देगा हमारा सर्वर पिक करेगा सही जवाब और उसको हम खुद कॉन्टेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे और इनाम उस तक पहुँचा देंगे। और मैं काउंटर इन कर दूँ, चलेगी काउंटर इन। अब इस काउंटर में आपने जवाब देने, और काउंटर भी आप देख रहे होंगे कितने सेकंड का काउंटर है, एक मिनट का कर दिया है। पहले मैं देता था 30 सेकंड का काउंटर जिसमें पता ही नहीं चलता था, आप लोग बोलते थे देते 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 क्या हो रहा है, लेकिन मैंने एक मिनट का काउंटर कर दिया है। एक मिनट अब काउंटर चल रहा है, अब काउंटर अगर चल रहा है तो इसका जवाब आता है, इसके जवाब सही जवाब दें। और देख रहा हूं मैं, मुझे नजर आ रहा है कि इसके जवाब तकरीबन सही आ रहे हैं। माशाल्लाह आप लोगों की नॉलेज बहुत अच्छी है और क्या बोलूँ इसके अलावा। और मैं कुछ आपसे उन लोगों के लिए भी बात करूंगा, थोड़ा सा गला कुछ हो रहा है बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, जाहिर बात है रोजे में होते हैं इंसान तो थोड़ा सा हो जाता है फंबल। ठीक है ना, अच्छा मैं उन लोगों के लिए भी बारे में बताऊंगा जो पैमरा, जो हमारा पैमरा रेगुलर अथॉरिटी है, वो सारी चीज़ें देख रही होती हैं। उन्होंने हर प्रोग्राम के लिए एक SOPs वगैरह बनाई है, तो वो SOPs पे कौन अमल कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, कि मैं के सोशल डिस्टेंस रखें और टाइमर ऑफ हो गया है। ठीक है, इसमें आपने यकीनन जवाब दे दिया होगा, फिर मैंने उस दिन भी बोला था जब टाइमर ऑफ हो जाया करे तो उसके बाद जवाब नहीं दिया करें, नहीं उठाएगा। आपने जो भी आपके इन जितने भी लोगों ने जवाब दिया होगा पूरे पाकिस्तान से जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं। अच्छा, मुझे उस दिन एक सऊदी अरब से कॉल आई, हमारे अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सऊदी अरब से हमारा शो देख रहे हैं और बहुत मुकद्दस ज़मीन है वो, तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। और ये जो वबा हमारे मुल्क में फैली हुई है, पूरे दुनिया में फैली हुई है, इसके लिए भी आप ज़रूर ये दुआ कीजिएगा ताकि हम इस तमाम वबा से, बीमारियों से महफूज रहें। और रमज़ान के दिन है, खैर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। और पैमरा को बता रहा था कि जो फिजिकल डिस्टेंस इतने क्या मैं उनको बताऊं कि यार कुछ है नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे। मतलब पैमरा ने बोला, एक अथॉरिटी है, उन्होंने बोला कि जी आप फिजिकल डिस्टेंस रखें, शुरू करते हैं अपने तमाम प्रोग्राम्स को शुरू करते हैं, वो बस वो फॉरन डिस्टेंस तो होता है लेकिन क्या करते हैं, करीब आ जाते हैं हर चीज़ में। मतलब हर ऐसी की तैसी कर दिए हैं, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि इतनी क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं चले अपना काम करता हूं, उनका काम उनको करने दें, मैं अपना काम कर देता हूं। मैं आपसे करने जा रहा हूं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल आप अगर देंगे ना तो इसमें क्या जीतेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप जीतेंगे 10,000 रुपए का कैश प्राइज। क्या है सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, और कौन है जो आपको देगा, फास्टर, जो हमारे साथ जो हमारे स्पॉन्सर है फास्टर, उन्होंने हमें वो आईवुड की चीजें दे रहे थे, हमने कहा नहीं चीज नहीं, हमें जो है कैश प्राइज दें, क्योंकि कैश प्राइज जाहिर बात है आजकल बड़े मुश्किल वक्त चल रहे हैं, तो आप लोग ये खेलेंगे तो शायद किसी के काम आ जाए, तो वो हमारे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैश प्राइज दें। कैश प्राइज में अगर किसी के काम आ जाएगा तो वो ज्यादा बेटर है बनिस्पत इसके कि हम कोई चीज दें। ठीक है, मैं सवाल कर रहा हूँ, आपको प्रोसेस वही रखना है, देखना आपने इसी में ही है यूट्यूब पे, और जवाब आप देंगे सोशल उसके ऊपर एप्लीकेशन पे, ऐप पे, तो उसके अंदर आपने जवाब देना है। तो दूसरा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, शेर है एक बहुत ही बेहतरीन शेर है जो अक्सर आपने अशार शेर जिसे कहते हैं, मैं थोड़ा सा कच्चा हूँ इस वजह से मैं आपको ज्यादा फ्लो में नहीं बोल सकूंगा, लेकिन मैं पढ़ दूंगा एक नॉर्मल जैसे बोलते हैं। चलें स्टार्ट। सवाल नंबर 2,
पहले डिजिटल गेम शो प्रोविन पाकिस्तान का, उनके देखने से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, मैंने बोला था ना मैं पढ़ नहीं सकता ज्यादा अच्छे तरीके से शेर, उनके देखने से मुंह पर, उनके देखने से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। जरा जल्दी जल्दी बताएं ना कि ये शेर किसका है, कैसा सही लाया हूं ना। चले ऑप्शन देख लेता हूं मैं आपको, अल्लामा इकबाल, अली जावेद, अब्दुल मजीद, मिर्जा गालिब, इन चारों के ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। उसके एप्लीकेशन पे जाएं, एप्लीकेशन में देखें वो सवाल आ गया होगा, अगर सवाल आ गया हो तो मुझे बता दें कि सवाल आ गया। हाँ जी सवाल आ गया एप्लीकेशन पे, इस एप्लीकेशन पे आपने जवाब देना है और जवाब देके आप जीत सकेंगे 10,000 रुपीज। और काउंटर ऑन कर देता हूँ, चले ऑन करते हैं, काउंटर ऑन हो गया। इसे जो काउंटर है ये जो काउंटर है वो एक मिनट का काउंटर है, तो एक मिनट का काउंटर है, इस काउंटर के अंदर आपने जवाब देना है, और इस काउंटर के अलावा अगर आपने जवाब दिया तो नहीं एक्सेप्ट होगा, तो काउंटर में जवाब दीजिएगा। चले आपके जवाब आना शुरू हो गए, तो फास्टर की तरफ से 10,000 रुपए का कैश प्राइज में आपको दे रहा हूं, तो जल्दी जल्दी जवाब दें। इस काउंटर में मैं वही बता रहा था पैम्बरा के इतने रूल्स तोड़ रहे हैं ये लोग, इतने रूल्स तोड़ रहे हैं, भले वो इसका नाम ले लेता हूं यार क्या होगा, वो एक हमारे चौधरी साहब बने हुए हैं, एक किस जी के नाम है आमिर लियाकत साहब, अल्लाह की कसम वो तो मुझे तो समझ में नहीं आता क्या बला है वो क्या बला है यार, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं यार कि बस मैं ही हूं दुनिया में और कोई नहीं है। अरे भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, रहम करो लोगों पे। मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था वो नात और वो काउंटर ऑफ हो गया है, वो आप लोग दे दे जवाब, मेरी बात भी सुनते रहे। मैं देख रहा था कुछ दिन पहले वो नात, एक पहले इतना अच्छा वक्त था जब हम छोटे हुआ करते थे, आप लोगों को ज्यादा पता होगा नात जो है वो अल्लाह ताला की सिफत बयान की जाती है, नात शरीफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान की जाती है। आपने नात को एक अल्लाह माफ करे नाउज़ुबिल्लाह ऐसा रंग दे दिया है कि जैसे कोई गाना चल रहा हो और गाने के ऊपर बस आपका बस नहीं चल रहा, यूं हिलते 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 आप खड़े हो जाएं और आप बस भंगड़े डालना शुरू कर दे, तो शर्म करें लोगों को कहां लेके जा रहे हैं। यही अजाब है जो कि सब पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा है। ना करें इस तरह से, आप लोगों को गलत सिर्फ में लेके जा रहे हैं, ना करें। और आप वो शहरी, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है शहरी, और वो मतलब मुझे समझ में नहीं आता शहरी से जब मेरी पहले बात होती तो हाँ यार वो तो उनकी आदत आपको पता है, आमिर लियाकत की बात कर रहा हूँ, वो तो उनकी आदत आपको पता है ही पागल है, वो शहरी के अल्फाज हैं। अब बताओ शहरी उनको, वो उसको चढ़ाता जाता है आमिर लियाकत, और शहरी वो हम पत झूम रहा होता है, वो पता नहीं अजीब सी बातें कर रहा होता है, मुझे नहीं आती बात समझ में यार। मुझे तो एक कॉमेडियन को अगर आप खड़ा कर लें तो एक कॉमेडियन का दूसरा नाम है आमिर लियाकत, मुझे तो वो बहुत बड़ा कॉमेडी लगता है। ज्यादातर बच्चे जो है ना, अगर उनको हंसना होता है ना, चलो अच्छी बात है लोगों को हंसा तो हंसना होता है ना, तो उस शख्स को देखता है तो खैर मैं हाथ जोड़ूंगा भाई, रहम करें। एक अच्छा प्रोग्राम आप करते हैं, आप अपने आप के आगे मजहबी स्कॉलर लगाते हैं, तो प्लीज उसको आप कायम रखें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। बाकी मुझे आपसे कुछ है नहीं, कुछ लेना देना नहीं, मुझे लगा मुझे बहुत से फीडबैक आए कि आप बोलें तो मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो ख्याल रखें जो चीजें हैं उस लिहाज से करें, अब दूसरे मुल्क में चले जाएं, कोई इस तरह के शोज नहीं होते, मैं भी इसका कसूर हुआ हूं, कुछ नहीं होता। आप यार आप मैं क्या बोलूं यार, आपने एक ड्रामा बना दिया है, हर चीज का एक ड्रामा बना दिया, हर चीज को एक आप लोगों ने एक मतलब पब्लिसिटी क्या कहते हैं उसको, मार्केटिंग कर रहे हैं हर चीज की, मैं कुछ नहीं बोल सकता। खैर मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं वापस प्रोविन पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला डिजिटल गेम शो, मेरे साथ रहिएगा।
आप इस ब्रेक के बाद, और मैं जाने से पहले आप लोगों को कैसा लग रहा है पहले तो ये बताएं, शो कैसा लग रहा है आप लोगों को? कोई है ऐसा शो जो आपको फौरन फौरन चीजें दे दे? मेरे ख्याल से नहीं है। ये पहला डिजिटल गेम शो है, और पहले डिजिटल गेम शो का फायदा उठाते ही उठाता हूँ और तीसरा सवाल कर देता हूँ आप लोगों के साथ। बहुत आप लोग मुझे मैसेज आ रहा है कि बहुत बोलते हैं यार, क्या करूं, मेरे पास ये लंबी चौड़ी फहरिस्त है यार, मैं क्या क्या आप लोगों को बताऊं। लेकिन चले, मैं तीसरा सवाल आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं, पाकिस्तान का पहले डिजिटल शो का तीसरा सवाल जो कि मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। लेकिन इसके अंदर मैं दूंगा क्या, मैं ये बताता हूं आप लोगों को, मैं इसके अंदर दूंगा क्या। तो अच्छा, मैं जाने से पहले थोड़ी सी एक बात बता दूं, मैं जो कल शो करूंगा उसके अंदर मैं आप लोगों को, जैसे मैं अभी बता रहा था, मुख्तलिफ जितने, जैसे ये फैसल कुरैशी जो विग लगा कर आ जाते हैं और बैठ जाते हैं आके, हैं पूरे गंजे ये, खैर मैं किसी की जातियात पे नहीं जा रहा भाई, लेकिन मैं इन लोगों की बातों से बड़ा वो होता हूँ यार। बातें इनकी ऐसी है कि ये करें वो करें, इस तरह से करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन मैं दिखाऊंगा आप लोगों को इन लोगों ने किस तरह से धजियां उड़ाई हैं सोशल डिस्टेंसिंग की अपने ही शो में। ये मैं जरूर आप लोगों को कल दिखाऊंगा, मेरे पास चीजें अभी भी मौजूद हैं, लेकिन मैं आज नहीं दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं आज आप ज्यादा से ज्यादा इनामात जीत सकें, तो कल इंशाल्लाह ये मेरा वादा है कि मैं कल आपको जरूर दिखाऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा इनका क्या नाम है, एक भाई का तो मैंने अभी आपसे डिटेल बता दी, इनकी भी मैं आप लोगों को, आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। और दूसरा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एक है वो दानिश तैमूर साहब, लाने वाला मैं ही हूँ दानिश तैमूर को, लेकिन वो भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, फहद मुस्तफा भी धज्जियां उड़ा रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने टीमें बना दी हैं, एक वो टीम, एक वो टीम, एक वो टीम। तो भाई बेचना है चूरन, बेचना है, बेचते जाएं भाई, बेचते जाएं। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, वाहिद मुल्क है जो हर चीज आसानी से बिक जाती है भाई, बस फेम होना चाहिए। फेमस हूं मैं, किसी भी तरीके से फेमस हो जाता हूं और मैं अपनी चीजें बेच दूंगा, इजी इजी है भाई, कुछ कोई इसमें इशू नहीं है। आप लोग भी अपनी चीजें भेजें भाई इस तरह से, जब ये बेच सकते हैं, आप देखें ना, पूरी पूरी मीडिया को एक वो बना दिया इन्होंने हाइप, वो मतलब क्या कहते हैं यार, मैं इन लोगों के लिए क्या अल्फाज बयान करूं, इन लोगों ने हाईजैक कर लिया है पूरे मीडिया को, चार से तीन से चार पांच लोग ये हाईजैक करके बैठे हैं। इन हाईजैकिंग को बस मैं क्या बोलूं, रमजानों में कुछ ज्यादा ही हाईजैक कर लेते हैं ये लोग पूरे मीडिया को, सोशल मीडिया को, हर जगह। तो भाई रहम कर लें आप लोग पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के लोगों पर। खैर इनफ, आज मैं इतना ही बोलूंगा क्योंकि मैं बस ज्यादा, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मुझे कल का रोजा भी रखना है, तो मैं बस इतना बहुत है भाई, इतना बहुत है। कल मैं जरूर आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे धज्जियां उड़ाए हैं इन्होंने अपनी सोशल डिस्टेंसिंग, छः छः फुट और छः छः फीट वाली मामलात को। भाई नहीं होता नहीं करो यार, बेचना जरूरी है। चलो यार, मैं सॉरी, मैं कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया, तो मैं करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा चिल हो जाऊँ, चिल हो गया, क्योंकि कहते हैं जब आपको गुस्सा आए या कुछ होना तो आप लंबी सांस लें, लंबी सांस लें, बैठ जाए, बैठ तो सकता नहीं हूँ मैं, इंशाल्लाह बैठूंगा अभी, टेंशन नहीं लें, तो मैं थोड़ा सा चिल हो गया, ठीक है। तीसरा सवाल करने जा रहा हूँ, तरीका आप लोगों को पता है, देखना इधर है, जाना प्रोविंस पाकिस्तान के एप्लीकेशन पे, जवाब वहां पे देना है। तीसरा सवाल मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं इन लोगों के लिए एक शेर भी बोल दूँ, इन लोगों के लिए खास तौर पे जो मैंने अभी बात की है, वो क्या है, मैं सच कहूंगा फिर भी हार जाऊंगा, मैं सच कहूंगा फिर भी हार जाऊंगा, बहुत जबरदस्त, मैं सच कहूंगा फिर भी हार जाऊंगा, वो झूठ बोलेगा, वो झूठ बोलेगा, वो झूठ बोलेगा, लाजवाब कर देगा, यही मैं बोलूंगा भाई, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। खैर आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल, चले स्टार्ट, पाकिस्तान के सूबे सिंध में कितने शहर हैं, पाकिस्तान के सूबे सिंध में कितने शहर वाके हैं, इसका जवाब दें। ऑप्शन इज नंबर ए 43, नंबर बी 41, ऑप्शन सी 40 या ऑप्शन डी 39, चारों में से एक जवाब सही है। इसमें आप जीत सकते हैं क्या, अरीशा ज्वेलर्स की तरफ से एक गोल्ड रिंग, जबरदस्त, एक्सीलेंट, थैंक यू अरीशा ज्वेलर्स जो हमारे साथ
जो हम सोशल मीडिया पे करते हैं, तो अरीशा जूनियर हमारे साथ बहुत आगे आगे होते हैं। मैं सिर्फ उनको बताता हूँ, मेरी टीम उनसे सिर्फ कॉन्टेक्ट करती है और वो हमें कोई ना कोई गिफ्ट प्राइज दे देते हैं। खैर, ये टाइमर इन हो गया। इस टाइमर में आपने जवाब देना है, और जवाब देने के साथ साथ मुझे ये भी आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को शो कैसा लग रहा है। भाई, मैं तो कोई बड़ा शो या बड़े टीवी चैनल पे जाके तो नहीं कर रहा, मैंने एक छोटा सा अपना एक सेटअप बनाया है जिसके लिए मैं आप लोगों के इनामात लेकर आता हूँ, इनामात बांटता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इनामात बांटने के साथ साथ मैं आपसे बातें भी करता हूँ, अपने दिल की बातें भी करता हूँ। अगर आप लोगों को सही नहीं लगती है तो आप बता दें, मैं नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा गेम खेलूंगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ कर लूंगा, लेकिन मुझे बताना भी जरूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे, क्योंकि मैं एक मीडिया का आदमी हूँ और मीडिया वालों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ये लोग करते रहते हैं। खैर, टाइमर चल रहा है और टाइमर के अंदर आपने इसका जवाब देना है। अभी वक्फे में मैंने सैनिटाइज किया और हम लोग 2-4-5 लोग हैं। आप यकीन करें, हम लोग बहुत डिस्टेंसिंग से चल रहे हैं। मैं बेसिकली ये शो और टाइमर ऑफ हो गया है, तो जब भी ये शो हम आपको इंशाल्लाह जो रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे और कोरोना वायरस से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें, वो ख़त्म हो जाएगा जल्द से जल्द इंशाल्लाह, तो हम ये कोशिश करेंगे कोई और आप उसी तरह चैनल पे शुरू करें ये शो आप लोगों के लिए दोबारा से। तो घबराइएगा नहीं, सोशल मीडिया पे मैं आपके साथ हूँ और आप लोगों को इनामात बांटूंगा, ये आप बेफिक्र रहें, ठीक है। मैंने आपसे कर लिया ये तीसरा सवाल और जवाब, मैं अभी देख रहा था जवाब भी आ रहे हैं आप लोगों के, तो मैं करने जा रहा हूँ आपसे चौथा सवाल। लेकिन चौथे सवाल में आपको मैं दे रहा हूँ 70cc की बाइक। 70cc की बाइक अगर आपको लेनी है, लेना चाहते हैं, तो आपने इसका जवाब देना है। इजी तरीका है, जवाब देना है, लेकिन मुझसे वादा करें, सब्सक्राइब करेंगे इसको, लाइक करेंगे मेरे पेज को और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकें, जीत सकें, इनामात जो है हमारे पास वो जीत सकें। तो खैर, मैं चौथा सवाल करने जा रहा हूँ, प्रोसेस आपको सब पता है क्योंकि जवाब आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप लोगों को पता है। और मैं अभी देख रहा था अपने सर्वर पे तकरीबन 50,000 लोगों से 50,000 लोग हमारे साथ ये गेम जो खेल रहे हैं, तो थैंक यू जो हमारे मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बढ़ भी रहे तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं करने जा रहा हूँ ये चौथा सवाल, क्योंकि अभी आज ये बहुत दिनों बाद पहला हमने सोशल मीडिया पे किया है, तो जब दूसरा शो करूंगा तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, तो मैं करने जा रहा हूँ चौथा सवाल कर लूं, चले जी करने स्टार्ट जा रहा हूं। हाँ, मैंने जब मेट्रो न्यूज पे जब आप लोगों के साथ एक शो किया था, तो मैंने उस वक्त एक बात की थी जो आप लोगों ने बहुत उस पर मुझे तनकीद भी किया, जी आपने टेलीफोन कॉल नहीं ली, तो मैं वो सवाल, मैंने उसको बाकायदा वो सवाल बना लिया है और वो सवाल मैं करने जा रहा हूँ, और इसमें मैं दूंगा आपको बाइक। उस दिन मैं आपको सिर्फ 2,000 या 3,000 दे रहा था, मुझे जहां तक याद पड़ रहा है, लेकिन मैं अब आपको उसके अंदर दे रहा हूँ बाइक, जो कि मुझे दे रहे हैं KFC आप जाते रहते हैं, तो KFC वाले मुझे ये बाइक दे रहे हैं कि जी भाई दे, ये सवाल पूछे और दे, KFC वाले यही मुझे कह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को देने के लिए तैयार बैठा हूँ, सवाल पूछ लेता हूँ। हमारा शो जो था प्रोविन पाकिस्तान, पहला शो, मैं पहले शो की बात कर रहा हूँ, पहला शो हमारा सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर किस डेट को ऑन एयर हुआ, पहला शो डेट बताएं आप मुझे, और ले जाएं मेरे पास से क्या 70cc की बाइक, जो कि मुझे KFC दे रहा है। KFC का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमारे एक नए क्लाइंट हैं, तो जवाब दें और ऑप्शन बता देता हूँ, 21 दिसंबर 2019, 19 दिसंबर 2019, 22 दिसंबर 2019 या 20 दिसंबर 2019, इन चारों में से एक जवाब बिल्कुल परफेक्ट है, तो दे इसका जवाब और ले जाए बाइक। मैं देखता हूं कि कौन बाइक ले जाएगा, 70cc की बेहतरीन बाइक है, आप चलाएंगे और दुआएं देंगे कि प्रोविन पाकिस्तान वालों ने ये मुझे बाइक दी, और बाइक मेरे पास अभी बहुत है, मैं और भी अभी शोज करूंगा, जो कल शो करूंगा उसमें भी बाइक और गाड़ी भी है, गाड़ी भी मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन एक शर्त पे मैं आपको गाड़ी दूंगा, आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ये नहीं करेंगे मैं गाड़ी नहीं दूंगा, मेरे पास गाड़ी भी और मैं गाड़ी देना चाहता हूं मैं आप लोगों को, और वो लकड़ी की काटी वाली गाड़ी नहीं है, ये ओरिजिनल गाड़ी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी, और देने से पहले मैं आप लोगों को सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। तो खैर, इसका जवाब, टाइमर चल रहा है, डायरेक्ट
नहीं अच्छा टाइमर देखें, चला दें मैं बहुत बोल रहा हूँ, टाइमर चला दें। देखें जी टाइमर चलना स्टार्ट हो गया, तो इसका जवाब दें, इसका जितना अच्छा आप जवाब देंगे बाइक भी उतनी अच्छी मिलेगी, 0 मीटर बाइक मिलेगी। आप इसका जवाब दें और मुझे यकीन है कि आप इसका जवाब देंगे और सही जवाब देंगे। देखता हूँ कि ये हमारा जो शो जो शुरू से देख रहे हैं, बेसिकली जो शुरू से देख रहे हैं हमारा शो, उनको पता होगा कि किस डेट को हमने ये शो किया था। तो खैर टाइमर चल रहा है, टाइमर चलने के साथ साथ जवाब भी दें, और जवाब मैं अभी देख रहा हूँ आ रहे हैं। अबीर भाई हमारे पास जवाब आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं। आप हंस रहे हैं, आप तो हंसते ही रहते हैं भाई, हंस क्यों रहे हैं यार, अबे कुर्सी से गिर जाएंगे भाई आप, हंसे ना यार, हंसने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझे बताएं। खैर हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत हंसमुख है और बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव है, मेरे साथ बहुत कोऑपरेट के, मुझे तकरीबन 6 फीट का फासला है ना, वो बैठे हुए वो उधर बैठे हुए तकरीबन 8 फीट के फासले पे। खैर तो ये टाइमर ऑफ हो गया है, टाइमर खत्म हो गया है, तो उस टाइमर में आपने जवाब दिया। अब टाइमर के बाद अभी भी जवाब आ रहे हैं, जवाब मत दें, बस करें क्योंकि टाइमर तक हम जवाब रिसीव करेंगे। तो खैर ये था चौथा सवाल, चौथे सवाल के बाद मैं आपसे फौरन क्विक मैं आपसे पांचवा सवाल पूछ लेता हूं, पूछ लूं, चलिए स्टार्ट। पांचवा सवाल क्या पूछ, मुझे आज बड़ा वो लग रहा है, मैं इतने दिनों बाद आया हूं आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया, अभी मैं देख रहा था ब्रेक पे जाके, तो थैंक यू उन लोगों का जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनके नाम भी लूंगा नेक्स्ट शो में, जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जिनकी जो मेरी होस्टिंग जिनको बहुत अच्छी लगती है, तो खैर उनको भी मैं थैंक यू करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो खैर मैं पांचवा सवाल करने जा रहा हूँ, मशहूर कॉमेडी सीरियल तो आपने देखा होगा, ये बहुत मशहूर है, मिस्टर बीन को तो जानते होंगे, मिस्टर बीन का पहला एपिसोड कब रिलीज हुआ, जल्दी जल्दी बताएं, बहुत इजी है, पहला शो कब रिलीज हुआ मिस्टर बीन का बताएं, ऑप्शन मैं दे देता हूं आपको, नंबर ए 1990, नंबर बी 1992, नंबर सी 1991 या डी 1993। इंग्लिश में बता देता हूं, टाइमर ऑन कर दें डायरेक्टर साहब, बिल्कुल मैं बोलता रहूंगा, टाइमर चल रहा है, टाइमर चलना शुरू हो गया है जी, चलें 1990 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1991 या ऑप्शन डी 1993। इसके अंदर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ फजल इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से स्मार्टफोन आप लें, जवाब दें और स्मार्टफोन ले लें, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, जवाब आप मुझे देख रहे हैं, आप धड़ाधड़ जवाब दे रहे हैं, कितने जवाब आ गए मुझे बताएंगे, अच्छे आ गए, हाँ जवाब आ रहे हैं आपके लाइन से, तो खैर जवाब दें और जीत जाएं। स्मार्टफोन का पहले भी मैंने आपको बताया था, जब आप स्मार्ट जो मेरे साथ पहले भी आप इसके अंदर थे, जो प्रोविन पाकिस्तान के पेज में आप आते थे, तो मैंने ये भी बोला था ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने पे या लोगों को बताने पे भी मैं आपको स्मार्टफोन दे रहा हूँ, तो मैंने ये भी दिया था आप लोगों को, और आगे जाके ये इसके अंदर बहुत सारे इनाम आप देख सकते हैं और ले सकते हैं, हमसे जीत सकते हैं, ताकि हम भी चलते रहें, आप भी चलते रहें, दुनिया ऐसी चलता रहे, कारवां ऐसी चलते रहे। और टाइमर ऑफ हो गया है, मुझे इशारा हो रहा है टाइमर ऑफ हो गया, तो आपने इसका जवाब दिया, तो अच्छा मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसका जवाब अभी बता दूं डायरेक्टर साहब, या आप पेज पे बताएंगे ये बताएं मुझे, ठीक है मैं एक काम करता हूं, आप 15-20 मिनट तक का वेट करें, ठीक है हमारा सर्वर ने खैर सारे लोगों के नाम जितने जो जो हमसे अभी हमारे साथ गेम शो में जिन्होंने जीत लिया है उनके तमाम नाम आ गए हैं, लेकिन मैं आपको वो पेज पे बताऊंगा 15 मिनट बाद, हमारे इसी पेज पे सोशल मीडिया पे, ये जो आप जो हमारा एप्लीकेशन है इसी के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर विनर अनाउंसमेंट का एक आइकन बना हुआ है, ठीक है अनाउंसमेंट का, उसमें जाएंगे और उसमें विनर्स के नाम आप देख सकते हैं, तो ये 15-20 मिनट बाद हम आपको बता देंगे, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम को बोलता हूँ, मैं इनाम जो नाम है ना जो जीत रहे मैं उसी वक्त आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन हमारे साथ आज जीता है। तो खैर मेरे ख्याल से आज बहुत बोल लिया मैंने, आज से बहुत बातें कर ली, इनाम भी मैंने आपको क्या क्या दे दिया आज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको आज स्मार्टफोन दे दिया, मैंने आज आपको बाइक दे दी KFC वालों की तरफ से, मैंने आपको अरीशा ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड ज्वेलरी दे दी, LED फोन वो दे दिया आपको मैंने, 10,000 रुपए का कैश प्राइज दे दिया मैंने फास्टर की तरफ से, और
पिज़्ज़ा कॉर्नर वालों की तरफ से स्मार्ट एलईडी दिया, जो पहला सवाल मैंने आप लोगों से किया था। तो खैर इसका जवाब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो प्रोग्राम करूंगा मैं कल, जो कि कल इतवार का दिन है, मैं उसके अंदर आप लोगों को साथ साथ जवाब भी बताऊंगा। और मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज का शो कैसा लगा। कल मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा, जो मैं आपको शुरू में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे कैसे ये लोग भजिया उड़ा रहे हैं अपने शो में, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और खुद जब अपने ऊपर बात आती है तो फिर कुछ नहीं, ना गवर्नमेंट ना कुछ। वो हमारे माशाल्लाह से इमरान खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा इमरान खान साहब को, और बहुत बहुत एनर्जेटिक लीडर हैं वो, और ऐसा लीडर बहुत सदियों में पैदा होता है। खैर मैं किसी का वो नहीं कर रहा, जो मुझे पसंद है मैं वो बता रहा हूँ आपको, आपकी अपनी अपनी चॉइस है और अपनी अपनी चॉइस के साथ रहें, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, एंड करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखिएगा, जो किसी भी प्रॉब्लम में हो सकते हैं अल्लाह ताला सबको अपनी आफियत में रखे। अपने पड़ोसियों का, अपने गली मोहल्ले वालों का ख्याल रखिएगा। इस वबा में बहुत लोग पिस रहे हैं किसी भी वजह से, जरूरी नहीं है कि वबा, क्योंकि लोग जो है कारोबार नहीं है, जॉब नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है किसी के घर में मदद करें, दूसरों का सहारा बने, और अल्लाह आपको मतलब दूसरों का सहारा अगर आप बनेंगे तो अल्लाह आपका सहारा बनेगा, ये कहना चाह रहा था। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।